हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेक्सपर्ट लाइव। लेटेस्ट वीडियो एंड अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल, साथ ही साथ प्रेस कीजिए दिस बेल आइकन ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो एंड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों, जैसा कि आज हम बात करते हैं विभिन्न क्षेत्रों की ख्याति प्राप्त हस्तियों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में जिसमें कवर करेंगे आपको नेशनल एंड इंटरनेशनल के ऐसी हस्तियां जिनको आपको जानना ज़रूरी है। तो हम विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख ख्याति प्राप्त हस्तियों के बारे में बात करेंगे एक बाय एक। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे तो अल्बर्ट आइंस्टीन की, जिनको आप सब जानते हैं दोस्तों। तो अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे तो सबसे पहले बात करें इनका जन्म 14 मार्च, अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म जो हुआ वो 14 मार्च 1879 से 1955 तक इनका जन्म एवं मृत्यु का समय रहा। उसके बाद इनका जन्म जो है जर्मनी में रहा। ये एक फिजिशियन थे, भौतिक शास्त्री थे। अगर हम बात करें इनके किए गए प्रमुख कार्यों के बारे में तो दोस्तों, इनके किए गए प्रमुख कार्यों के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है कि सामान्य सापेक्षता का जो सिद्धांत दिया वो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। और फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, अगर हम बात करें फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, इसके बारे में जो डिटेल दी वो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दी। उसके बाद भी कई टॉपिक ऐसे हैं जो, कई बातें ऐसी हैं जो अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा प्राप्त की गई, दी गई। उसके बाद अगर हम बात करें अगला जो है वो आता है आपका जो साइंटिस्ट हैं वो हैं आपके सीवी रमन, जो कि एक भारतीय भौतिक शास्त्री थे, यानी भारतीय वैज्ञानिक थे। इनका जो जन्म है वो 7 नवंबर 1888 को हुआ और इनकी मृत्यु 21 नवंबर 1970 में हुई। दोस्तों, थ्रुवनलाई कवल में इनका जन्म हुआ, जो कि तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है। ये भौतिक शास्त्री थे और इनके द्वारा की गई खोज थी रमन प्रभाव। दोस्तों, अगले अगर वैज्ञानिक की हम बात करते हैं तो वो हैं आपके अल्फ्रेड नोबेल। नोबेल को आप जानते हैं, इनके नाम से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर हम अल्फ्रेड नोबेल की बात करें तो अल्फ्रेड नोबेल का जो जन्म है 1833 में हुआ तथा इनकी मृत्यु जो है 1896 में हुई। स्टॉकहोम और ये स्वीडन के वैज्ञानिक थे। केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान में ये इंजीनियर रहे हैं। इनके द्वारा की गई मुख्य खोज थी डायनामाइट का आविष्कार। नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत इनकी स्मृति में ही प्रत्येक 10 दिसंबर को दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करें वो हैं अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिनका जन्म स्थान 1887 में एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में हुआ। इनका जन्म एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में 1887 में हुआ था। एक भौतिक शास्त्री थे। इनके द्वारा किए गया आविष्कार था टेलीफोन का आविष्कार। जी हाँ, ग्राहम बेल ने किस चीज़ की खोज की थी, ये नॉर्मली प्रश्न बनता है। तो ग्राहम बेल ने टेलीफोन तथा ऑप्टिकल दूरसंचार यानी कि ऑप्टिकल कम्युनिकेशन की जो खोज की थी वो ग्राहम बेल ने की थी। इसके बाद हम अगले अगर हम टॉपिक की बात करें तो वो हैं आपके डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम। जी हाँ, इनको कौन नहीं जानता। डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम की बात करें तो इनका जन्म जो है वो रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, ये अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। इसके अलावा इनके द्वारा जो किए गए प्रमुख कार्य थे वो पोखरण में जो दूसरा परमाणु परीक्षण किया था वो इन्हीं की देखरेख में हुआ था। उसके बाद ये भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे तथा भारत के लिए मिसाइल जो तकनीक है उसकी देन रहे वो डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम ही थे। तथा एक और बात है कि अब इनको ही भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो वो आते हैं गुगलियमो गियोवानी मारिया मार्कोनी। जी हाँ, इनको नॉर्मली हम बात करते हैं मार्कोनी। तो मार्कोनी की अगर हम बात करें तो मार्कोनी का जन्म 1874 में हुआ था तथा इनकी जो मृत्यु थी वो 20 जुलाई 1937 में हुई थी। बोलोगना इटली के ये रहने वाले थे। इनके द्वारा जो प्रमुख चीज़ थी वो रेडियो तरंग है। और अगर इनके द्वारा की गई प्रमुख खोजों में अगर हम बात करें तो रेडियो का आविष्कार भी इन्होंने ही किया था। ट्रांजिस्टर, जिसे हम कहते हैं
रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। उसके बाद लंबी दूरी के रेडियो ट्रांसमिशन का मार्गदर्शन भी इन्होंने किया। मार्कोनी नियम रेडियो टेलीग्राफ सिस्टम का विकास भी इन्होंने ही किया था। तो दोस्तों ये मार्कोनी के नाम से आप इनको जानते हैं, ठीक है। और रेडियो का आविष्कार इन्होंने किया था, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों अगले साइंटिस्ट की, तो वो हैं आपके विक्रम साराभाई। जी हाँ, विक्रम साराभाई को भी कौन नहीं जानता। तो बात करें अगर हम विक्रम साराभाई की, तो 1919 को इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म अहमदाबाद भारत में हुआ था तथा ये भौतिक वैज्ञानिक थे। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के संस्थापक थे, जो हम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जिसको हम बोलते हैं, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद की स्थापना ही इन्होंने की थी, विक्रम साराभाई ने। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगला वो आता है सर आइजक न्यूटन। जी हाँ, न्यूटन को भी कौन नहीं जानता, न्यूटन के गति के नियम को कौन नहीं जानता। तो इनका जन्म था वो 1642 में हुआ था तथा ये यूके के रहने वाले थे, यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले थे। और भौतिक शास्त्री तथा गणितज्ञ दोनों में इनकी प्रमुख खोज रही हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो इनके द्वारा किया गया प्रकार, तो फिलॉसफी नेचुरल प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिक्स वो इनकी खोज थी। उसके बाद अगर हम बात करें गति के नियम और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत, वो है सर आइजक न्यूटन ने ही दिए थे। उसके बाद अगर हम आगे अगले साइंटिस्ट की अगर हम बात करें, तो वो आते हैं गैलीलियो गैलीलेई। का जन्म जो है 15 फरवरी 1564 में हुआ था। इनका पीसा जो है इटली के पास हुआ था। ये खगोल शास्त्री थे। इन्होंने टेलीस्कोप का आविष्कार किया। खगोलीय खोज के जनक कहा जाता है। आधुनिक भौतिकी के जनक भी गैलीलियो को कहा जाता है। वैज्ञानिक प्रणाली के जनक भी गैलीलियो कहा जाता है। थर्मामीटर का आविष्कार भी गैलीलियो के आविष्कार में ही आता है, तो आप याद रख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो जेम्स वॉट का जन्म 1736 में ग्रीनॉक स्कॉटलैंड में हुआ था। ये एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। इन्होंने वाफ के इंजन का आविष्कार किया था, ठीक है। तो इसके लिए जाना जाता है जेम्स वॉट ने वाफ के इंजन का आविष्कार किया था। अगर अगले हम साइंटिस्ट की बात करें, तो वो आते हैं हमारे ही देश के आर्यभट्ट। जी हाँ, आर्यभट्ट का जो जन्म शताब्दी माना जाता है वो 476 AD ईसा पूर्व से लेके 550 ईसा पूर्व तक इनका जन्म शताब्दी माना जाता है। इस 476 से 550 ईसवी तक इनका जन्म शताब्दी वर्ष माना जाता है, ईसवी से। उसके बाद अगर हम बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था, और ये गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्टीय इनका कार्य और आर्य सिद्धांत इन्होंने ही दिए थे। उसके बाद हम बात करें जॉन नेपियर का स्थान जो है वो ज्ञात नहीं है, पर 1 फरवरी 1550 को इनका जन्म हुआ था। ये गणितज्ञ थे और खगोल शास्त्री थे। कलन गणित आविष्कार इन्होंने किया था तथा दशमलव प्रणाली का चिन्हांकन भी इन्होंने किया था, जॉन्स नेपियर ने। उसके बाद अगर बात करें चार्ल्स बेबेज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चार्ल्स बेबेज ने जो कंप्यूटर के जनक अगर किसे कहा जाता है, वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। समय अवधि स्थान की बात करें तो इनका जन्म जो है 26 दिसंबर 1791 को हुआ था तथा मृत्यु जो उनकी 18 अक्टूबर 1871 में हुई थी। इनका जन्म स्थान लंदन यूनाइटेड किंगडम में आता है। एक वैज्ञानिक थे जो कि गणितज्ञ थे। इन्होंने कंप्यूटर के जनक कहा जाता है तथा प्रथम जो यांत्रिक कंप्यूटर की खोज की थी या आविष्कार किया था वो सर चार्ल्स बेबेज ने ही किया था, इसलिए इनको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगले अगर हम बात करें तो वो आते हैं लुई पाश्चर। जी हाँ, लुई पाश्चर का जन्म 1822 को हुआ था। ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे और माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। इनके द्वारा किया गया कार्य जीर्णवाणु मुक्त पद्धति का आविष्कार करना तथा छूत की बीमारी जो रेबीज कहा जाता है उसका टीका का आविष्कार भी इन्होंने ही किया था। तो इम्पोर्टेंट है कि रेबीज के टीके का आविष्कार किसने किया था, तो दोस्तों रेबीज के टीके का आविष्कार लुई पाश्चर ने किया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अगले टॉपिक की, अगले साइंटिस्ट, तो दोस्तों वो आते हैं मैडम क्यूरी का जन्म 7 नवंबर 1867 को हुआ था तथा ये पोलैंड के निवासी थी। ये भौतिज्ञ थी
इन्होंने रेडियो एक्टिविटी का सिद्धांत दिया था। तो मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी का सिद्धांत दिया था। इनको नोबेल पुरस्कार दो बार जीती हैं, इसलिए नोबेल पुरस्कार दो बार जीतने वाले महिलाओं में इनका नाम आता है। ये प्रथम महिला थी जिन्होंने दो बार नोबेल पुरस्कार जीता। उसके बाद हम रॉबर्ट बायल की बात करें तो रॉबर्ट बायल का जन्म जो है वो 25 जनवरी 1627 को हुआ था और ये आयरलैंड गणतंत्र के यूनाइटेड आयरलैंड के निवासी थे तथा ये रसायन शास्त्री थे। इनके द्वारा दिए गए कुछ प्रमुख सिद्धांत था बॉयल का नियम तथा आधुनिक रसायन शास्त्र के संस्थापक। इन्होंने बॉयल का नियम दिया था तथा इन्हें आधुनिक रसायन शास्त्र के संस्थापक के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अगर अगली बात करें, अगले वैज्ञानिक आते हैं आपके माइकल फैराडे। माइकल फैराडे का जन्म 22 सितंबर 1791 में हुआ था और यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, ठीक है। ये भौतिक मैग्नेटिज्म में भौतिक शास्त्री थे। इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना, जो कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है, उसकी खोज इन्होंने ही की थी और डाई मैग्नेटिज्म एवं इलेक्ट्रोलिसिस के आविष्कारक भी इनको ही कहा जाता है। उसके बाद हम बात करें सलीम अली की बात करें तो 12 नवंबर 1896 से इनका जन्म हुआ था तथा ये मुंबई के निवासी थे। ये पक्षी वैज्ञानिक थे। इन्हें नेचुरल हिस्ट्री का पिता वहाँ कहा जाता है भारत के लिए। सलीम अली, इनके नाम पे एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। दोस्तों सलीम अली ने बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना की तथा भारत एवं पाकिस्तान के पक्षियों पर एक हैंडबुक भी लिखी। इसके अलावा भारत के पक्षी मानव के तौर पर इन्हें जाना जाता है, यानी भारत के पक्षी मैन कहा जाता है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया ये सलीम अली को कहा जाता है। ध्यान रखना, बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है या भारत का पक्षी मानव किसे कहता है, सलीम अली को कहा जाता है, ठीक है। ये मुंबई के निवासी थे तथा ये पक्षी वैज्ञानिक थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम अगले की बात करें तो वो आते हैं लुईस ब्रेल। जी हाँ, लुईस ब्रेल का जन्म फ्रांस में हुआ था तथा ये मैकेनिक्स में महारत हासिल थी। इन्हें अंधे व्यक्तियों के लिए छपाई के लिए लेखन हेतु ब्रेल लिपि की खोज इन्होंने ही की थी, ठीक है। ब्रेल लिपि की खोज लुईस ब्रेल ने की थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो हैं निकोल टेस्ला की बात करें तो इनका जन्म 1856 में हुआ था तथा ये क्रोएशिया के निवासी थे, ठीक है। भौतिक शास्त्री थे तथा इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल में इन्होंने इंजीनियरिंग की थी। इनके द्वारा किया गया प्रमुख कार्य था इंडक्शन मोटर का आविष्कार, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तथा टेस्ला कॉइल का आविष्कार भी इन्होंने ही किया था। टेस्ला कॉइल, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और इंडक्शन मोटर का आविष्कार निकोल टेस्ला ने किया था। उसके बाद अगले वैज्ञानिक आते हैं श्रीनिवास रामानुजम। जी हाँ, श्रीनिवास रामानुजम एक भारतीय वैज्ञानिक थे। ये तमिलनाडु के निवासी थे और 22 दिसंबर 1887 को इनका जन्म हुआ था। एक गणितज्ञ, महान गणितज्ञ हुआ करते थे जिन्होंने गणित का विश्लेषण किया तथा अंकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने अनंत जो श्रेणियां हैं उसके बारे में भी बताया और रामानुजम प्राइम के बारे में भी बताया। रामानुजम थीटा फंक्शन का भी आविष्कार इन्होंने ही किया था। ये एक भारत के महान वैज्ञानिकों में इनका नाम आता है। दोस्तों उसके बाद अगले हम बात तो वो हैं जगदीश चंद्र बसु। दोस्तों जी हाँ, जगदीश चंद्र बसु जो है वो बांग्लादेश में, इनका जन्म हुआ था मुंशीगंज में। ये एक बायोभौतिकी थे जगदीश चंद्र बसु। इन्होंने क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार इन्होंने ही किया था। प्लांट बायोलॉजी के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इनका जन्म जो है 30 नवंबर 1858 को हुआ था। उसके बाद अगर हम अगले वैज्ञानिक की बात करें तो वो हैं भारतीय वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना। जी हाँ, भारतीय वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना इनका जन्म जो है वो रायपुर में हुआ था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है, वो वाला रायपुर, ठीक है। 1922 में इनका जन्म हुआ था और ये बायोकेमिस्ट हुआ करते थे। प्रोटीन विश्लेषण और न्यूक्लियोटाइड की भूमिका का प्रथम बार इन्होंने प्रदर्शन किया था। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो इन्हें फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए 1968 में एक नोबेल पुरस्कार दिया गया, जो कि न्यूक्लियोटाइड और भूमि का प्रथम बार प्रदर्शित इन्होंने किया था। उसके बाद हम अगले अगर वैज्ञानिक की करें बात तो वो आते हैं हमारे वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस। जी हाँ दोस्तों, सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म जो है 1 जनवरी
1894 हुआ था, ठीक है। ये कोलकाता के निवासी थे। इन्होंने बोस आइंस्टीन संघनन, बोस आइंस्टीन वितरण और बोस आइंस्टीन का पारस्परिक संबंध बताया। इन्हें बोस आइंस्टीन स्थिति की का भी जनक कहा जाता है तथा इसके अलावा स्टेट ऑफ फोटोन गैस का भी आदर्श बोस के नाम पर यौगिकीकरण किया था, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो वो आते हैं भारतीय वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा। दोस्तों होमी जहांगीर भाभा की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1909 में 30 अक्टूबर को हुआ था, जो कि मुंबई में जन्मे थे। ये नाभिकीय भौतिकी थे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के निदेशक भी होमी जहांगीर भाभा ही रहे। इन्होंने भारतीय नाभिकीय प्रोग्राम के जनक भी कहा जाता है। उसके बाद हम बात करें सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, यानी कि सी चंद्रशेखर। इनको भी एक बार भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। इनका जन्म 19 अक्टूबर 1910 में हुआ था, जो कि पंजाब में है। वर्तमान में यह लाहौर में है, पंजाब लाहौर, जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है। एक खगोल शास्त्री थे। इन्होंने चंद्र के शेखर परिसीमा का भी प्रतिपादन किया। सोनबर्ग चंद्रशेखर परिसीमा, चंद्रशेखर अंकीय गणित और चंद इनको इसी के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 1983 में दिया गया। ये भी भारतीय नोबेल पुरस्कार जनक के श्रेणी में आते हैं। उसके बाद हम अगले अगर हम बात करें तो दोस्तों वो वैज्ञानिक हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का जन्म 6 अगस्त 1881 में हुआ था, ठीक है, जो कि स्कॉटलैंड में। इनका आरसीआर ईस्ट आरसीआर स्कॉटलैंड में इनका जन्म हुआ था। ये बैक्टीरियोलॉजी और इम्यूनोलॉजी के ज्ञानी थे। पेनिसिलिन का आविष्कारक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को कहा जाता है तथा इसी के लिए उनको 1945 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। उसके बाद हम अगले अगर वैज्ञानिक की बात करें तो वो है महान पाइथागोरस। पाइथागोरस का जन्म 570 ईसा पूर्व से लेकर 495 ईसा पूर्व तक है। ये यूनान के निवासी थे, जो कि एक गणितज्ञ हुआ करते थे। इन्होंने पाइथागोरस धुन तथा पाइथागोरस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसके बाद अगले अगर वैज्ञानिक की बात करें वो है थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस एडिसन, जिन्हें हम थॉमस एडिसन के नाम से जानते हैं, 1847 को इनका जन्म हुआ था, जो कि यूनाइटेड स्टेट में हुआ था, यूके में। ये भौतिक शास्त्री थे तथा फोनोग्राफ का आविष्कार एवं गतिशील बल का जो तस्वीर वाला कैमरा था, उन्होंने इसका आविष्कार किया। तो दोस्तों थॉमस एडिसन ने ही जो है फोनोग्राफ और का आविष्कार किया तथा विद्युत बल्ब का आविष्कार किया। जी हाँ, इम्पोर्टेंट यह है कि विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था, तो विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था थॉमस एडिसन ने। तो दोस्तों ये हुए हमारे प्रमुख वैज्ञानिक। इसके बाद हम प्रमुख राजनीतिक हस्तियों की भी बात करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, अगर इन्फॉर्मेशन आपके लिए अच्छे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें तथा प्लीज़ इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपके और भी दोस्तों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।